अंदर हाल में नमस्कार। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के इस अखिल भारतीय सम्मेलन में मैं प्रीति सिंह आप सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। आप सभी से पहले मेरा अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। 1921 में शिमला से जो सफ़र शुरू हुआ वो आज देवभूमि तक पहुँच गया है। करीब 100 साल के इस गौरवशाली इतिहास और वैश्विक पहचान वाले संगठन के सम्मेलन का आयोजन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। इस बार हम कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के सुधारीकरण और क्षमता निर्माण पर मंथन के लिए इस पावन भूमि को चुना गया और यहाँ जो फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वो निश्चय ही दुनिया के हमारे इस सबसे बड़े लोकतंत्र को और मजबूती और बल देंगे। यानी देवभूमि उत्तराखंड संसदीय लोकतंत्र के सुधारीकरण का गवाह बनने जा रहा है और आप सभी इसका एक बेहद अहम हिस्सा है। देश के सभी कोनों से आए पीठासीन अधिकारी इस एक छत के नीचे मौजूद हैं और देखिए कितना सुखद एहसास है कि एक मिनी भारत इस छत के नीचे जैसे सिमट कर आ गया है, क्योंकि संसद हो या विधानमंडल, ये सभी हमारे लोकतंत्र के प्राण हैं। मैं एक बार फिर आप सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं मंच पर मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। धन्यवाद। और अब मैं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से आग्रह करूंगी कि वो लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी को उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान पहाड़ी टोपी पहनाकर उनका अभिनंदन करें।
पहाड़ी टोपी जो अपने आप में उत्तराखंड की संस्कृति की एक बड़ी पहचान है। 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अब तक इस प्रदेश ने, हाँ बिल्कुल पहनाइए, बिल्कुल पहनाइए, सभी माननीय अतिथियों को उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान ये पहाड़ी टोपी। सन 2000 में उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद से अब तक इस प्रदेश ने विकास की यात्रा में कई पायदान की छलांग लगाई है। हम बात विकास की करें, पर्यटन की करें, या इस देव भूमि की अलौकिक सुंदरता की करें, हर कोई इसका कायल है। तो आइए इस राज्य की विकास यात्रा और यहाँ के बेहद मनमोहक दृश्यों को समेटने की कोशिश करते हैं, निहारने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट्री के जरिए आइए इसे देखते हैं। अस्तु तरस्याम दिशि देवात्मानाम हिमालयो नाम नगाधिराज। ऐतिहासिक रूप से ये भूभाग सदियों तक गढ़देश के रूप में स्वतंत्र रहा, जिसकी सीमाएं सुदूर नेपाल, तिब्बत से लेकर हिमाचल और इस पवित्र भूमि से गंगा, यमुना जैसी अनेकों जलधाराएं निकली। नंदा, नीलकंठ, कामेत, चौखंबा, मेरु, सुमेरु जैसी अनेक पर्वत श्रृंखलाओं ने समय समय पर यहाँ की रक्षा की। उत्तराखंड की इस धरती में करोड़ों देवी देवताओं का वास है। हिमालय की तलहटी में बसा उत्तराखंड विश्व में धर्म, पर्यटन, आध्यात्म और आर्थिक गतिविधियों का हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है। तीन रौतेली और माधव सिंह भंडारी जैसे वीरों का यह प्रदेश हजारों युवाओं को सैन्य बलों में शामिल होने हेतु प्रेरित करता रहता है। इतिहास में महान राजवंश पांडवों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपनाया और एक नई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित की। इतिहास में उत्तराखंड की समृद्धिशाली संस्कृति व परंपराओं को पल्लवित पुष्पित होते देखा है। लोगों को ढोल की थाप पर झूमते, नाचते, गाते, गुनगुनाते देखा है। उत्तराखंड ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। प्रथम राजवंश कत्यूरी, चंद से लेकर पवार वंश और आज स्वतंत्र भारत के उत्तराखंड राज्य तक पहुंचते पहुंचते कई संघर्ष देखे हैं। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर सीमाओं की रक्षा में इस धरती के लोगों ने डट कर मुकाबला किया और अपना बलिदान तक दिया। उत्तराखंड का लगभग 85% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। पुराणों में उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग को केदारखंड और कुमाऊं संभाग को मानसखंड के नाम से जाना गया है। महाभारत काल के कई तथ्य उत्तराखंड में पाए गए हैं। चक्रवर्ती राजा भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ है, उनकी जन्मस्थली कोटद्वार के कण आश्रम में स्थित है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा कालसी में स्थापित शिलालेख राज्य के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गंगोत्री और यमुनोत्री जीवनदायिनी गंगा यमुना को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं, वहीं भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के नाम से उत्तराखंड में ही स्थित है। पिराम कलियर दरगाह, साथ ही सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब सर्वधर्म संभाव की भावना को प्रकट करता है। भारत की आजादी के पश्चात उत्तराखंड कई वर्षों तक विशाल उत्तर प्रदेश का एक भूभाग रहा। अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियों तथा विकास के चाह के रहते यहाँ की संघर्षशील जनता ने
कई वर्षों तक लोकतांत्रिक व अहिंसात्मक पृथक राज्य का आंदोलन लड़ा व मुकाम हासिल किया। आखिरकार 9 नवंबर सन 2000 में देश के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जन भावनाओं का आदर करते हुए स्वतंत्र उत्तराखंड राज्य की स्थापना की। भौगोलिक दृष्टि से छोटा राज्य उत्तराखंड अपने अंदर अनेक विविधताओं को समेटे हुए है। यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भूमि की घाटी, बेदनी बुग्याल, हर की दूर, दायरा बुग्याल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विंटर टूरिज्म के फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में ओली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैव विविधता में कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी आदि प्रमुख नेशनल पार्क के साथ ही केदारनाथ सेंचुरी, अस्कूट सेंचुरी, गोविंद सेंचुरी उत्तराखंड को प्रचुरता प्रदान करती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड की वादियां पर्यटकों के साथ साथ फिल्म निर्माताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राज्य के प्रमुख हिल स्टेशन में शुमार मसूरी, चक्राता, नैनीताल, मुनस्यारी, कौसानी, बिलसर, बैजनाथ, जागेश्वर, रानीखेत, औली, चौका, लेंसटाउन, हर्षिल, खिरसू आदि दुनिया के पर्यटकों के बीच राज्य को अलग पहचान दिलाते हैं। पृथक राज्य के रूप में इन बीते वर्षों में राज्य ने विकास के अनेक सोपान चढ़े हैं। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए हर की दून ट्रैक, रूपकुंड ट्रैक, मुनस्यारी से मिलन ट्रैक, पिंडारी ट्रैक, देवरिया ताल चौपता तुंगनाथ ट्रैक आदर्श ट्रैक के रूप में उपलब्ध है। सांस्कृतिक विविधता से भरे उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी प्रमुख लोक भाषाएं बोली जाती है। सामान्य जनजातियों के अलावा थारू, बोक्सा, भूटिया, राजी जनजाति उत्तराखंड की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। अर्धकुंभ और महाकुंभ का क्षेत्र हरिद्वार, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी लगाती है, उत्तराखंड में ही है। पर्वतीय राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को विधान परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा के पश्चात उत्तराखंड में पुनः पुनर्निर्माण कार्यों से देश व दुनिया के पर्यटकों का विश्वास जीता है। गांव तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार में अभूतपूर्व प्रगति की है। जल विद्युत, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन, कृषि, उद्यान, खेल, रोजगार, ग्रामीण विद्युतीकरण, रोड कनेक्टिविटी, रेल सेवाएं, सोलर परियोजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल उत्तराखंड, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, नमामि गंगे, ऑल वेदर रोड, भारतमाला परियोजना, चार धाम रेल सर्किट, उड़ान योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी अनेकों योजनाओं से उत्तराखंड राज्य में चहुं ओर विकास का सूरज उग रहा है। आइए राज्य की प्रगति के लिए हम सब देशवासी हाथ से हाथ मिलाएं। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत है। जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए कितना भी निहारिए, हर बार उत्तराखंड की इस पावर धरती की जो तस्वीरें हैं वो और ज़्यादा मनमोहक लगती हैं और यहाँ की संस्कृति और अलौकिक ही लगती है। अब मैं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से अपने स्वागत भाषण के साथ इस सभा को संबोधित करने का आग्रह करती हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्रीमान ओम बिरला जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी,
उपसभापति राज्यसभा आदरणीय हरिवंश जी, हमारे उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह जी चौहान, यहाँ उपस्थित देश भर के आए विधानसभा अध्यक्षगण, विधान परिषद के सभापतिगण, उपाध्यक्षगण, उपसभापतिगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे सांसद श्रीमान अजय भट्ट जी, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह जी, सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगीगण, प्रदेश के अनेकों हमारे माननीय विधायकगण, विधान सभा के अनेकों पूर्व में रहे हमारे विधायकगण, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव, विधानसभा के सचिवगण और यहाँ उपस्थित अन्य हमारे सम्मानित जन, ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उत्तराखंड की धरती पर पहली बार यह सम्मेलन आयोजित करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे लिए एक और भी बड़े सम्मान की बात है कि 2019 में हमारा भारत, हमारा प्रदेश किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है और इस गौरवपूर्ण वर्ष में हमें इस सम्मेलन की मेज़बानी करने का अवसर मिला है। यह उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम मध्य हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में विमर्श हेतु उपस्थित हैं। हिमालय भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का आधार रहा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक हिमालय का यह विभाग अनेक विचित्र सभ्यता और संस्कृतियों का आधार रहा है। देवता यहीं निवास करते रहे हैं। स्कंद पुराण में हिमालय को नेपाल, कुर्मांचल, जालंधर, कश्मीर और केदारखंड में विभक्त किया गया है। इन्हीं 5 खंडों में से कुर्मांचल और केदारखंड में आज हम संसदीय लोकतंत्र पर चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं। रामायण में उल्लेख है कि जब श्री राम ने भरत को आज्ञा दी कि लक्ष्मण के किशोर वय पुत्रों को ऐसी भूमि में अधिपति बनाया जाए जो न केवल रमणीक हो बल्कि जहाँ कोई विघ्न बाधा न हो, अपराधी वृत्ति के लोग न रहते हों और न दूसरे राज्यों से पीड़ा पहुँचती हो, तो भरत ने इसी पावन धरती को चुना। यह देवभूमि महान संतों, दार्शनिकों और विचारकों की प्रिय रही है। जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, हुवेनसांग आदि शंकराचार्य, गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी ने उत्तराखंड की यात्राएं कर भारतीय आध्यात्मिक चिंतन को शीर्ष तक पहुंचाया। महान समाज सुधारक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी तीर्थ, रामतीर्थ और अरविंद घोष ने भी उत्तराखंड की यात्राएं कर पूरी दुनिया में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जो समाज को एक सूत्र में बांधता है। यह देवभूमि चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महाराजा धीराज भरत का नाम कोटद्वार के पास मालिनी नदी के किनारे कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था। यह रमणीक स्थल कण्वाश्रम कोटद्वार के नाम से भी विख्यात है। उत्तराखंड स्वामी विवेकानंद जी की साधना स्थली भी है। 19 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस व्याख्यान ने पूरी दुनिया को रोशनी से भर दिया था, उसका ज्ञान उन्हें नैनीताल के पास साधना करते हुए हुआ था। देहरादून, ऋषिकेश, बागेश्वर, कौसानी और अल्मोड़ा को भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी तपस्थली बनाया। महात्मा गांधी को भी यह देवभूमि अत्यंत प्रिय रही है। अल्मोड़ा जिले के कौसानी में 14 दिन तक रहकर महात्मा गांधी ने गीता पर आधारित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी थी। एक तरफ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे 4 धाम हमारी आस्था के केंद्र हैं, तो दूसरी तरफ एशिया की सबसे पैदल यात्रा नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड की संस्कृति का अलौकिक अध्याय है।
सातवीं शताब्दी से चली आ रही इस यात्रा में गढ़वाल और कुमायूं की संस्कृतियों का अनुपम समागम भी देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हमारे जौनसर बाबर क्षेत्र में हनोल के महासु देवता की बड़ी मान्यता है, जो महत्व केदारखंड में केदारनाथ जी का, कांगड़ा में ज्वालामुखी जी का, जम्मू में माता वैष्णो देवी जी का, वही महत्व महासु देवता का जौनसर बाबर, सिरमौर, जुब्बल और शिमला क्षेत्र में है। विभिन्न धर्मों, जाति और संप्रदायों के लोग उत्तराखंड में मेल जोल के साथ रहते आए हैं। इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल पिरान कलियर शरीफ उत्तराखंड में ही है, तो सिखों के तीन महत्वपूर्ण तीर्थ नानक मत्ता, रीठा साहिब और हेमकुंड साहिब भी हमारे इसी पावन धरती पर हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में उत्तराखंड हिमालय का एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। हिमालय से जन्म लेने वाली माँ गंगे, माँ यमुने के तटों का और उनके संगमों में पर ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हुई है। हमारे प्रदेश का कुमायूं क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा जिले में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर भारतीय स्थापत्य कला एवं वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यह मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर समूह, बैजनाथ और बागनाथ तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र है। अल्मोड़ा जिले में स्थित कसार देवी मंदिर अद्भुत चुंबकीय शक्तियों वाला क्षेत्र है। यहाँ धरती के भीतर विशाल चुंबकीय पिंड हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के कसार देवी मंदिर पेरू में स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड के मशहूर स्टोन हेंज में अद्भुत समानताएं हैं। पर्यटक यहाँ अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार तो पौराणिक काल से ही धर्म और अध्यात्म का केंद्र रहा है। ऋषिकेश, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र भी है, साहसिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ रिवर राफ्टिंग, बजी जंपिंग, माउंटेन बाइकिंग का लुत्फ़ उठाने वाले लाखों पर्यटक हर साल पहुँचते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी विकसित हुई है। हरिद्वार चूंकि कुंभ की नगरी के रूप में विश्व विख्यात है, जहाँ गंगा के पावन तट पर हजारों दीप द्रोण में प्रवाहित होते हैं, तो वातावरण में आरती के साथ साथ एक समवित स्वर गूंजते हैं, जो निसंदेह अनौकिक दृश्य का एहसास कराते हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोक साहित्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र अपनी अलग पहचान रखते हैं। ललित कला की दृष्टि से गढ़वाली चित्रकला शैली भारतीय चित्रकला के इतिहास में अलग महत्व रखती है। इसको पुष्पित करने का श्रेय प्रसिद्ध कवि एवं चित्रकार मौलाराम को भी जाता है। उत्तराखंड वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट मस्क डियर अभयारण्य वन्य जीवों के लिए सुरक्षित पनाहगार है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका महत्वपूर्ण और विशिष्ट रही है। आज़ादी के आंदोलन के दौर में कितनी ही संग्रामी प्रतिभाएं हिमालय से उभरी, जैसे बद्रीदत्त पांडे, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता, मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, पीसी जोशी, चंद्र सिंह गढ़वाली, विक्टर मोहन जोशी, जयनंद भारती, खुशी राम, सरलाबेन, श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी आदि महान विभूतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ से धार और दिशा प्रदान की। उत्तराखंड में सामाजिक आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर चाहे वह समाज में असमानता को मिटाने वाला कुली बेगार आंदोलन हो या डोला पालकी आंदोलन, पर्यावरण को बचाने के लिए भी देवभूमि में कई आंदोलन हुए। चमोली जिले की छोटे से गांव रेणी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए श्रीमती गौरा देवी द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन तो आज भारत ही नहीं विश्व में पर्यावरण चेतना का प्रतीक है। देहरादून, जहां यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि में भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। देहरादून पूर्व में गंगा तट नदी तथा पश्चिम में यमुना नदी के बीच में स्थित है। मान्यता यह है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं तप किया था, इसलिए इस नगरी को द्रोण नगरी भी कहा जाता है। सन 1756 के आसपास श्री
गुरु राम राय जी ने पंजाब से यहाँ आकर डेरा डाला और दरबार साहिब की स्थापना की। इसी कारण इस शहर का नाम देहरादून पड़ा। यह शहर अपनी अनोखी जीवन शैली, खूबसूरत परिवेश और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं के लिए विश्वविख्यात है। भारतीय सैन्य अकादमी, सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ONGC जैसे महत्वपूर्ण संस्थान इस शहर को विश्व स्तरीय पहचान दिला रहे हैं। लंबे संघर्ष और देवभूमि के महान सपूत जो एक आंदोलन में शहीद हुए, मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। और उनके शहादत के फलस्वरूप 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैले उत्तराखंड के पूर्व में काली नदी नेपाल के साथ और पश्चिम में टोंस नदी हिमाचल के साथ सीमा बनाती है। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत चीन और दक्षिण में तराई की भूमि इस राज्य को उत्तर प्रदेश से मिलाती है, जो हमारा पूर्व में प्रदेश रहा है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में है। हमारी विधानसभा का एक और सुंदर भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण में है। बेहद खूबसूरत इस जगह से साक्षात हिमालय के दर्शन होते हैं। यहाँ हम अब तक विधानसभा के कई सत्र आहूत कर चुके हैं। वर्तमान में हमने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की है। सन 2000 में जब उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनी तो माननीय प्रकाश पंत जी, जो उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए, ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि श्री पंत जी को राष्ट्रमंडल देशों के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बनने का भी गौरव प्राप्त है। वर्ष 2002 में प्रथम निर्वाचित विधानसभा में श्री यशपाल आर्य जी विधानसभा के अध्यक्ष बने, जिन्होंने जिन महान संसदीय और लोकतांत्रिक परंपराओं का की नींव इस सदन में डाली। तो वर्ष 2007 में अध्यक्ष के रूप में हम सभी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्रीमान हरबंस कपूर जी तथा 2012 में श्री गोविंद सिंह गंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उत्तराखंड की इस चतुर्थ विधानसभा का गठन 24 मार्च 2017 को हुआ। कुल 70 विधायक यहां निर्वाचित होते हैं और इस सदन में 21 सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। एक सदस्य मनोनीत होते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। 18 मई 2015 की तारीख हमारी इस विधानसभा के लिए बेहद खास और यादगार है। इस दिन हमें सदन में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुझे उनके द्वारा कही गई बातें आज भी याद हैं। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र में बहुमत को अल्पमत के विचारों का सम्मान करने व स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने विधायिका को विधि निर्माण और वित्त के मामलों में एहतियात बरतने की जरूरत पर बल दिया था। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड विधानसभा में हमने कई रचनात्मक और नई पहल की है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी की पहल हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और उत्तराखंड विधानसभा में हमने इसे सतत लक्ष्य के रूप में अपनाया और हर महीने की 21 तारीख को हम विधानसभा परिसर में योग करते हैं, जिसमें हमारे विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारीगण बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। हमने पहली बार पलायन की रोकथाम संबंधी समिति, संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, आचार समिति और पर्यावरण के संबंध में समिति का गठन भी किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अपनी विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को भी अपनाया है और नेवा लैब स्थापित की है, जिसके माध्यम से विधानसभा के अभिलेखों को अपलोड किया जा रहा है। जल्दी हमारी विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बन जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और मुझे भरोसा है कि हमारी इस पहल से हजारों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा। विश्व में प्लास्टिक का प्रयोग एक गंभीर चुनौती बन गया है। हमने विधानसभा में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। लोकसभा की पूर्व माननीय अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन ने पहल कर अध्यक्ष शोध कदम प्रारंभ किया था। इस कड़ी में हमने गंगा की स्वच्छता, तंबाकू निषेध, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों में आम जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए इसे जन आंदोलन का रूप दिया।
विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमने विधायकों की संस्कृत प्रोत्साहन समिति भी विधानसभा में गठित की है। विधायी कार्यों के पीठासीन अधिकारियों का यह 79वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन की नींव 1921 में पड़ी। यह वह दौर था जब हमारी आज़ादी का आंदोलन चरम पर था। इस सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र की दशा और दिशा को प्रशस्त करने में बड़ी महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2012 में यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और 2016 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित हुआ था। 2 वर्ष के अंतराल के बाद एक बार फिर हम देहरादून में मंथन हेतु सभी उपस्थित हैं। माननीय भारतीय लोकतंत्र में संसद और राज्य विधानसभाएं जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इन्हें कार्यपालिका को नियंत्रण रखना है। इन्हीं के माध्यम से आम लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी मिलती है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विधानमंडलों को सक्षम होना चाहिए। जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था पर पीठासीन होते हुए ही हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है और हमें बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होते हुए यह सुनिश्चित करना होता है कि जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति यथासंभव उत्तम रीति से हो। संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्नों के माध्यम से ही जनता की समस्याओं और इच्छाओं आकांक्षाओं को सदन में उठाया जाता है। यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायिता को सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावी कदम है। पीठासीन अधिकारी होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि प्रश्नकाल को और अधिक प्रभावी और निर्णायक कैसे बनाया जाए। प्रश्नकाल का समय बहुत कीमती होता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कैसे अधिकाधिक इस समय का उपयोग हो और अनावश्यक चर्चा पर भी रोक लगे। और मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी उपवेशन हुए हैं उसमें अभी तक प्रश्नकाल के जितने भी प्रश्न उस दौरान पूछे गए उस अवधि में लगभग 14 बार हमारे प्रश्न उत्तरित हुए हैं। मैं इसके लिए अपने माननीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और जब कार्यसूची के जितने भी हमारे तारांकित प्रश्न उत्तरित हों तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे देश की संसदीय इतिहास में बहुत सारे सुनहरे अध्याय लिखे गए। विधायी और देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में विधायिकाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमारी विधायिकाओं ने कई ऐसे विधियों का निर्माण किया जिसकी बदौलत लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए। शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून, श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा विधेयक, बाल विवाह प्रतिबंध कानून, बाल श्रम प्रतिबंध कानून आदि उल्लेखनीय विधियों का निर्माण हमारी विधायिकाओं ने किया है। ये कानून समाज में महिलाओं, बच्चों, शोषित तबकों को उनके अधिकार सुरक्षा दिलाने में मददगार साबित हो रहे हैं। विधानमंडलों के सदस्य जनता के प्रति निष्ठावान रहें, विधायिका में लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें और दायित्वों का गंभीरता से पालन करें, यही संसदीय लोकतंत्र की सफलता का मूल तत्व है। राजनीति व्यवसाय नहीं, एक मिशन है। यहाँ एक बड़ा पुनीत कार्य है जो जनता ने हमें सौंपा है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी में आप कितने खुश हैं ये आवश्यक नहीं, जिंदगी में आप कितने खुश हैं ये आवश्यक नहीं, आवश्यक तो ये है कि इस जिंदगी में आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये आवश्यक है। विधायकों में अलग अलग मतों और विचारधाराओं, अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, भाषा और बोली के लोग जनता की आवाज बनकर आते हैं, लेकिन सभी का एक ही मकसद होता है कि जनता का विकास, राष्ट्र का विकास। यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। पीठासीन अधिकारियों के लिए सदन को शांतिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से संचालित करने में विपक्ष का सहयोग जरूरी होता है। मुझे आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को लेकर कई बातें याद आ रही हैं। उनका मानना था कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना विपक्ष की भूमिका है, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध रचनात्मक होना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका तीखा तेवर भी होना चाहिए। सरकार को गलत रास्ते पर चलने से रोकना यह उसका कर्तव्य है, लेकिन
अगर सरकार ठीक काम करे तो सरकार को सहयोग देना भी उनका दायित्व है। पहली लोकसभा के सदस्य ऋषांग सिंह को संसद को लेकर जो अनुभूति हुई उसका उल्लेख मैं जरूर आपको यहाँ करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा, सदन में प्रवेश करते ही मैंने सभी दलों से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखा। उन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और लगा कि ये सभी इस स्थान के लिए योग्य हैं। वो सभी बहुत ही साफ विचारों के लोग थे। उनके लिए देश सर्वोपरि था। वे देश के सभी नागरिकों को एक जैसा सम्मान देते थे, संसद को मंदिर की तरह मानते थे और स्पीकर को पुजारी की तरह समझते थे। पीठासीन अधिकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलती रहे। एक पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए सबसे ज़्यादा संतोष इस बात के लिए होता है कि कोई मान्य सदस्य यह आरोप न लगा पाए कि उसके साथ पक्षपात हुआ है। और इस सम्मेलन में हम सभी पीठासीन अधिकारियों को एक दूसरे के अनुभव को सुनने और उन्हें सीखने का मौका हमें मिलेगा। मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन के माध्यम से संसदीय प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में ठोस प्रयास निकलकर आएंगे और विचार विमर्श संवाद का एक नया रास्ता खुलेगा। पहली बार उत्तराखंड को इस सम्मेलन को आयोजित करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और इस सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष लोकसभा का विशेष मार्गदर्शन हम सभी को मिला। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का फिर से दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिले सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग के बिना इस सम्मेलन को आयोजित करना संभव नहीं था। मैं आभारी हूं लोकसभा के महासचिव जी का, जिनके दिशा निर्देशन में हम सभी यह सम्मेलन आयोजित कर पाए हैं। आपके प्रयास को सुखपूर्ण एवं आरामदायक बनाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किए हैं। तथापि यदि कोई त्रुटि इसमें रह जाए उसके लिए मैं आपको उदार हृदय से क्षमा याचना में करना चाहूँगा। ऐसा मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। अंत में आप जितने महानुभाव यहाँ पधारे हैं सबको आभार व्यक्त करते हुए, चाहे हमारे विभिन्न प्रदेशों के माननीय अध्यक्षगण आए होंगे, उपाध्यक्षगण आए होंगे, सभापति के माननीय विधान परिषद के माननीय सभापतिगण आए होंगे, उपसभापतिगण आए होंगे, अन्य हमारे सांसदगण, हमारे अन्य विधायकगण, अन्य पूर्व विधायकगण, अन्य विशिष्टजन जो मेरे अनुरोध पे यहाँ पहुँचे हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अपने इस मैनेजमेंट में जुड़े हमारे सचिव विधानसभा और पूरी टीम को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से यहाँ मौजूद विशिष्टजनों को संबोधित करने का आग्रह करती हूँ। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण जो देश है वो भारत कहलाता है और हम सब भारतवासी हैं। आज एक लघु भारत का स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर आप सबका देवों की भूमि उत्तराखंड में पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र में हमारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हैं उनका एक बड़ा भारी योगदान होता है और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सम्मानित अध्यक्ष की भूमिका एक गार्जियन की भूमिका होती है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हों, एक अभिभावक की भूमिका होती है। वहाँ पर या तो अध्यक्ष होते हैं, सरकार होती है या फिर विधायक होते हैं। सब विधायकों को समान दृष्टि से देखा जाता है माननीय अध्यक्षों के द्वारा और इसलिए एक अभिभावक की भूमिका में सबको समान अवसर देना, सबकी सुनना और अधिकतम लोगों को अवसर देना सदन के अंदर, इस दायित्व का आप लोग निर्वहन करते हैं। मैं समझता हूँ कि उसके लिए
एक कौशल की जरूरत होती है, और वो कौशल आप सबके पास है, और बड़ी कुशलता से आज चाहे लोकसभा हो, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से लोकसभा संचालित हो रही है, जिस तरह से लोकसभा के अंदर काम हो रहा है, वो एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। मैं अपने उत्तराखंड के बारे में भी कह सकता हूँ कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि और जगह मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं उत्तराखंड के बारे में भी ये बात कह सकता हूँ कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में अधिकतम लोगों को प्रश्न उठाने का मौका दिया और जवाब देने का भी उन्होंने अवसर दिया। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कुशलता से उन्होंने विधानसभा का संचालन किया है। 17वीं लोकसभा में साल 2019 में बजट सत्र में 135% प्रोडक्टिविटी रही है, जबकि शीत सत्र में 116% की प्रतिशत कामकाज हुआ है। हंगामे भी हुए, लेकिन अध्यक्ष जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ कुशलता से सदन को संचालित किया, और 135% की प्रोडक्टिविटी, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक प्रोडक्टिविटी है। मैं उसके लिए बिरला जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड बना करके सदन चलाया है। कई बार हमें देखते हैं कि विपक्ष बहुत आक्रामक होता है, विपक्ष की और सत्ता पक्ष की भूमिका राम लक्ष्मण की होती है। राम थोड़ा शालीन होते हैं और लक्ष्मण थोड़ा उग्र होते हैं, तो विपक्ष की भूमिका ये लक्ष्मण की होती है, सत्ता पक्ष की भूमिका ये राम की भूमिका होती है, और उसमें जो गार्जियन है हमारे अध्यक्षगण, वो बड़ी कुशलता के साथ लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए और सदन की जो कार्यवाही जो काम होते हैं उसको कुशलता से उसको निपटाने का काम करते हैं। कई बार हमने ये भी अनुभव किया कि बड़ी असहज स्थिति होती है, और ये कहूँ कि कष्टप्रद स्थिति भी कई बार होती है। आजकल हम विधानसभाओं के अंदर देखते हैं, मैं कल अखबार पढ़ रहा था, एक जगह बड़ा जो दृश्य नहीं उपस्थित होना चाहिए उस तरह के दृश्य ये सदन में हुए, और कई जगह पर इस तरह की असहज स्थितियां पैदा होती हैं। ऐसे में बड़े संयम और शालीनता से, मैं प्रेम जी को कहता हूँ, प्रेम जी तुम विधानसभा बड़ी शालीनता से चलाते हो, अपने अध्यक्ष जी को कहता हूँ, मैंने बाहर में ऐसे रहा करो, कितना अपने आप को संयमित करना पड़ता है, कितना अपने आप के ऊपर आत्मनियंत्रित नियंत्रण करना होता है। ये विधानसभा के अध्यक्ष और ये चीज़ हम अनुभव करते हैं। मैं जानता हूँ हमारे कई साथी बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, सत्ता में हैं, लेकिन सदन के अंदर वो अपने आप को बहुत मर्यादित और नियंत्रित करते हैं, और वो ऐसी स्थिति में, मैंने कहा कि राम और लक्ष्मण की भूमिका होती है, ऐसे में जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, और ऐसे आक्रामक वातावरण में भी, ऐसे असहज वातावरण में भी सहजता से वो सदन को चला लेते हैं, ये उनकी आपकी कार्यकुशलता है। और बड़े गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होती है, तमाम विद्वान विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उन विद्वान सदस्यों के प्रश्न, उनके सुझाव, उनको भी बड़ी सहजता से सम्मिलित करते हैं, और जो असहज होते हैं उसको बाहर भी करते हैं। कई बार विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देना होता है कि इसको कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए, पक्ष चाहता है कि हमारी बात विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित हो, लेकिन ऐसे समय में विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने विवेक का इस्तेमाल करके और
असहज स्थिति भी न हो और सहजता से उनको अपना काम वो निकाल लेते हैं। तमाम लीगल इश्यूज भी होते हैं और ऐसे में सदन चलाना, तमाम विद्वान लोग वहाँ पर होते हैं, तो उन विद्वानों को संतुष्ट भी करना, उनको सहज वातावरण की ओर भी ले जाना, ये काम सम्मानित पीठ का होता है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, हमने अपनी जो कैबिनेट है, हमने ई कैबिनेट, हमारी अब जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी हमारी ई कैबिनेट होगी, तमाम जो हमारी विधानसभा की कार्यवाही है इस पर भी मैं चाहूँगा कि हमारे राज्यों को, तमाम अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमको इसको विधानसभाओं में भी लागू करना चाहिए और इससे जहाँ पेपरलेस होंगी हमारी विधानसभाएं, वही काम भी हमारी बड़ी सहजता से निपटेंगे और ज़्यादा काम हम लोग कर पाएंगे। मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि संसद की तरह विधानसभाओं में भी बेहतर परफॉर्मेंस एक कैसे हो, ये जरूर विचार करना चाहिए और ये केवल किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है बल्कि हम सब के लिए है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दें, इस पर हमको जरूर विचार करना चाहिए। राज्यों की जो प्रोडक्टिविटी है वो विधानसभाओं से आती है, तो उसको वो प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे बढ़े उसका हमको उस ख्याल रखना होगा, इसको हम कैसे साकार कर सकते हैं इसका हमको विचार करना होगा। मैं अंत में आपको उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया, लेकिन भारत की जो 16 तरह की क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उत्तराखंड उन राज्यों में है जहाँ पर रेगिस्तान की अगर जलवायु छोड़ दी जाए, समुद्री जलवायु को अगर छोड़ दिया जाए, तो 14 तरह की जलवायु ये भारत में है, उत्तराखंड में है। जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 14 तरह की क्लाइमेटिक जोन्स उत्तराखंड में हैं और इस कारण उत्तराखंड जैव विविधता से भरपूर है। देश की जो जैव विविधता है उसमें आधा से अधिक तरह की जैव विविधता ये उत्तराखंड में पाई जाती है। उच्च हिमालय है, मध्य हिमालय है, तराई है, यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो टाइगर की डेंसिटी में नंबर एक है देश में और संख्यात्मक दृष्टि से कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर ये टाइगर्स के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है। इसी तरह से हाथियों के लिए 2000 से अधिक हाथी ये उत्तराखंड में हैं। तमाम तरह के पशु पक्षी, गंगा जैसी निर्मल, नदी, यमुना जैसी पवित्र नदी और इस तरह की 26 तरह की 26 छोटी बड़ी नदियाँ ये उत्तराखंड में हैं। तमाम तरह की वनस्पति और उतने ही खूबसूरत यहाँ का मानव संसाधन, यहाँ का मानव संसाधन श्रेष्ठ मानव संसाधन है जो शांति में विश्वास करता है, जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, अपनी उदात्तता के लिए जाना जाता है और राष्ट्रभक्ति के लिए सेना की बात आए तो हर समय सेना में जाने के लिए तत्पर रहता है। देश की आज़ादी के बाद चाहे देश के अंदर आंतरिक संघर्ष हुए होंगे या फिर तरह तरह जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए होंगे या पड़ोसी राज्यों से युद्ध हुए होंगे, हर छठा बलिदानी ये उत्तराखंड का है और इसलिए हम उत्तराखंड को बलिदानों की भूमि भी कहते हैं। मैं ऐसी भूमि पर आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और तमाम जो पत्रकार मित्र हमारे यहां पर हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी इसकी कार्यवाही हो इसकी पॉजिटिविटी ये जाना चाहिए, ये समाज में बहुत बेहतरी से कैसे जा सके इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी अपने उद्घाटन भाषण के साथ हमें अनुग्रहित करें, उनसे हमारा आग्रह है कि अपने विचार साझा करें हमारे साथ। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्रम सिंह रावत जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, उत्तराखंड विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह जी, इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पधारे देश के सभी पीठासीन अधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज इस सम्मेलन में पधारे हमारी लोकसभा के माननीय सदस्यगण, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा के सचिवगण, अधिकारी और कर्मचारियों का भी मैं आज अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन आज़ादी के पूर्व 1921 से ये सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहाँ पर हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चर्चा होती है और आज ये सम्मेलन 79वां सम्मेलन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये धरती जो ऋषि मुनियों की धरती है, जो देव धरती है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के समागम की धरती है और हमारे सबके लिए आस्था की ये धरती, जहाँ पर ये ऐतिहासिक सम्मेलन एक निर्णायक द्वार भी होगा और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी होंगे। इस सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैं उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रेमचंद जी, यहाँ की सरकार, विधानसभा का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक अच्छी प्रबंध व्यवस्था प्राकृतिक मरम में हम सब को विचार विमर्श करने का एक स्थान उपलब्ध कराया है। हमारे बीच में दिग्वंत हुए पीठासीन अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। विगत वर्षों में हमने ऐसे प्रसिद्ध नेताओं, संसदविदों, पीठासीन अधिकारियों जिनका राजनीति और लोकतंत्र में असाधारण योगदान था, हमने उनको खोया है। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य की अलग स्थापना की, हमारे लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष
माननीय सोमनाथ चटर्जी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, संसद के अंदर प्रतिपक्ष नेता, सदन नेता, राज्य और केंद्र में कई बार मंत्री रही, प्रखर कुशल वक्ता श्रीमती सुषमा स्वराज, इस देश के विधि और जिन्होंने इस देश को एक राजनीति में दिशा दी अरुण जेटली जी, इन सब नेताओं ने इस देश के अंदर एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमें नई दिशा दी है। हम उनकी दूरदर्शिता, उनकी राजनीति में व्यापक जानकारी और उनके अमूल्य योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। मैं ये अवगत कराऊं कि इसके पहले ये सम्मेलन गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर के बाद कई माननीय पीठासीन अधिकारियों ने कार्यभार संभाला है। मैं उन सब पीठासीन अधिकारियों का भी इस सम्मेलन में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 17वीं लोकसभा के गठन और आम चुनाव के बाद जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, जहाँ पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं, और हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि 130 करोड़ का यह देश इतने बड़े देश के अंदर जिस पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं और जिस उत्साह के साथ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दुर्गम इलाके हो, सभी क्षेत्र के अंदर मतदाताओं की लगातार लोकतंत्र में बढ़ती आस्था और बढ़ता मतदान ये संकेत करता है कि भारत की जनता का लोकतंत्र के प्रति और दृढ़ विश्वास बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए पिछले चुनाव में 67.40% मतदान हुआ, जो अभी तक भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे अधिक मतदान रहा है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद माननीय राष्ट्रपति जी ने 17 जून 2019 को संसद की प्रथम बैठक आयोजित की। 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से मुझे लोकसभा का अध्यक्ष का दायित्व दिया, जिस विश्वास भरोसे के साथ सभी ने मुझे सर्वसम्मति से इस अध्यक्षीय जिम्मेदारी दी। मेरा प्रयास रहा कि मैं लोगों के विश्वास, हमारे माननीय संसद सदस्यों के विश्वास, सभी राजनीतिक दल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रतिपक्ष के सभी दल के नेता, सभी संसद सदस्यों और एक दल के सदस्य को भी विश्वास और भरोसे में लेकर इस संसद को चलाने का काम करें। और मैंने कोशिश की कि इसका संचालन सबके सहयोग से, सबकी सहमति से कुशलतापूर्वक हो। मैंने कोशिश भी की कि हर परिस्थिति में
संसदीय मर्यादाओं का पालन किया जाए और संसदीय प्रतिष्ठा को और ऊंचा पहुंचाया जाए, क्योंकि संसद का काम सबकी सहमति से चलता है और हमारे भारत की लोकतंत्र की विशेषता है कि अलग अलग दल, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं होने के बाद भी संसद में असहमति सहमति होते हुए भी हमारी कोशिश रहती है कि हम लोकतंत्र की मर्यादाओं को संसदीय नियमों के तहत ठीक से चला सकें। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया। यही कारण रहा कि पहला सत्र लोकसभा का, जिसमें 37 दिन सत्र चला, 35 विधेयक पारित हुए, महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए, संवाद भी हुआ, वाद विवाद भी हुआ, चर्चा भी हुई, लेकिन 37 दिन के अंदर एक दिन भी सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई। और जो लोगों का विश्वास घटता जा रहा था, हमने जनता के विश्वास को, भरोसों को और कायम करने का प्रयास किया। और इसीलिए सत्र के अंदर पहले सत्र में 125% प्रोडक्टिविटी रही। हमारी कोशिश है कि ये लोकतंत्र का मंदिर जनता के विश्वास भरोसे का मंदिर है, जनता की जवाबदेही का मंदिर है। हम जनता का विश्वास और भरोसा कायम करें और ये विश्वास भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे सत्र के अंदर भी इसी तरीके से 115% प्रोडक्टिविटी रही। हमारे प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी हमने कोशिश की कि अधिकतम मान्य सदस्यों के प्रश्न सदन के पटल पर आ सके, और इसी कोशिश में पहली बार 72 के पहले प्रश्न लिस्टेड 30 होते थे, 72 के बाद प्रश्न की लिस्टेड संख्या 20 हो, और 27 नवंबर 2019 को सभी मान्य सदस्यों के सहयोग से वो 20 प्रश्नों की सूची को हमने पूरा करने का काम किया। शून्यकाल के दौरान हमने अधिकतम मान्य सदस्यों को प्रयास किया कि जो मान्य सदस्य पहली बार निर्वाचित हुआ है वो मान्य सदस्य सदन में बोले, और आग्रह पूर्वक भी हमने कोशिश की और सभी मान्य प्रथम बार चुनके आए सभी मान्य सदस्यों ने अपने इलाके की क्षेत्र की समस्याओं अभावों को संसद में रखने का काम किया। मेरे सामने कई मान्य सदस्य बैठे हैं लोकसभा के, कई मान्य सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार में 2016 में 16वीं लोकसभा का मैं भी सदस्य था, मेरे कई और साथीगण भी 16वीं लोकसभा के सदस्य थे,
कई मान्य सदस्यगण ऐसे हैं जिन्होंने 16वीं लोकसभा के अंदर पूरे 5 साल के अंदर सदन में जितनी देर नहीं बोले, 2 सत्र में उससे ज़्यादा उनको बोलने का अवसर दिया, क्योंकि सदन सबका है, सबकी सहमति से चलता है। और सदन के अंदर मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिले, समय मिले, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि सदन में जहाँ पर हम सरकारी विधेयकों पर चर्चा करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, वहीं जनहित के विषय जो अभिलंब लोकमत के विषय हैं उसको भी सदन के माध्यम तक सरकार को पहुँचाएँ, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। इसीलिए सदन हमेशा में शून्यकाल का बड़ा महत्व हो गया। इस पर हम 2 दिन जब हमारा ये सम्मेलन, इस पर चर्चा भी होगी, ये विषय हमने चर्चा के लिए भी रखा है। और उसके साथ साथ हमने 2 विषयों पर जब चर्चा रखी है, दल बदल कानून पर भी हम चर्चा या 2 दिवसीय करने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि सदन के अंदर डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिसेंट हो, लेकिन डिस्टर्बेशन नहीं हो, और ये सभी माननीय पीठासीन अधिकारी चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से संसद और विधानसभा और विधान परिषदों के अंदर अधिकतम समय डिबेट कराएं, डिस्कशन हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन सदन चले, क्योंकि देश की जनता की आकांक्षा है कि हमें जिनको चुनकर भेजते हैं वे सदन में अपनी बात ठीक ढंग से रखें। इसीलिए जनप्रति होने के नाते संसद और विधानमंडलों में जनता की आशाओं आकांक्षाओं का मंदिर है। कोई भी माननीय विधायक या सांसद को अपनी बात कहने का अवसर, जनता के अभावों समस्याएं कहने का एकमात्र लोकतंत्र का मंदिर है तो विधानसभा लोकसभा है, जिसके माध्यम से अपनी जनता की बात सरकार को पहुंचाने का काम करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करता है, सरकार में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, इसके लिए सदन का उपयोग करता है। और ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता भी है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करें, कार्यपालिका में पारदर्शिता है, सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे, जनता की जवाबदेही के लिए काम करें, इसीलिए विधानसभा लोकसभा है। और इस विधानसभा लोकसभा के अंदर हम 2 दिन के सम्मेलन में यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम विधानसभा लोकतंत्र के मंदिरों को मजबूत करें, कैसे ये मंदिर जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने का मंदिर बनाए। और यही सम्मेलन का उद्देश्य है, क्योंकि ये देवभूमि है और इस देवभूमि के अंदर मुझे आशा है कि 2 दिवसीय जब चर्चा होगी तो जिस तरीके से देवता निर्वाद होकर चर्चा करते हैं, बिना पूर्वाग्रह के चर्चा करते हैं, उसी तरीके से हम 2 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे।
क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 2021 में इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष होने वाले हैं और 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं, जहाँ आज़ादी के 75 वर्ष होने पर हम भारत की नई संसद के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, नए मंदिर निर्माण का विचार चल रहा है। वहीं इस मंदिर निर्माण के साथ साथ ही हम विधानसभाएं, लोकसभाएं, हमारी कोशिश है कि 2021 का हमारा जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा उसमें देश भर की विधानसभाओं के अंदर एक विशेष सत्र बुलाकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस विधानसभा लोकसभा के अंदर किस तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही मंदिर को बनाने के लिए और किस तरीके से विधानसभा लोकसभा के अंदर हम हमारे माननीय सदस्य गणों की कैपेसिटी को बिल्डअप करते हुए एक सार्वजनिक तरीके से एक अच्छी चर्चा हो, डिस्कस हो, डिबेट हो, डिसेंट हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन सहमति असहमति देश की जनता लगे कि मुद्दों पर सब असहमति असहमति हो रही है, हम आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश है कि विधानसभा लोकसभा मिलकर कभी भी इसको राजनीति के अखाड़े नहीं बनने दें। और इसीलिए हमारी बार बार चर्चा ही रहती है कि हम किस तरीके से विधानसभा के अंदर विधायी कार्य करते करते जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करते हुए विधानसभाओं की बैठकों के दिन अधिकतम बढ़े, कम से कम एक निश्चित अवधि तक तो विधानसभा चले, इसके लिए भी हमारा विचार विमर्श यहाँ पर दो दिवस होगा। और मुझे आशा है कि 2021 तक हम जिन लक्ष्यों को लेकर पूरा चले हैं उन लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों की हमारी बैठक हुई थी, इन पीठासीन अधिकारियों की बैठक में हमने 3 अलग अलग समितियां बनाई हैं। उन समिति के अंदर हमारे सभी माननीय पीठासीन अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उस पीठासीन अधिकारियों की उस कमिटी की जो रिपोर्ट आएगी, कुछ हम लखनऊ के अंदर जनवरी में डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है कि जिस विषयों को लेकर हमने वो पीठासीन अधिकारियों की कमिटी बनाई है उसको परिणाम पूर्वक ला सकेंगे। हमारा हर सम्मेलन का ये मंच निश्चित रूप से कुछ निर्णय करके निकलेगा, और इसीलिए हमारे कुछ विचार हैं कि विधानसभा लोकसभाओं को हम ई विधान के माध्यम से डिजिटल करने के युग की ओर बढ़ें। मैं कई विधानसभा के अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने डिजिटलकरण के एक नए युग की शुरुआत की है, पेपरलेस विधानसभाओं की अच्छी शुरुआत की है, उन्होंने अपने अपने यहाँ पर विधायकों को प्रशिक्षण करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, हमारी संसदीय समितियों को और मजबूत पारदर्शिता करते हुए किस तरीके से उस संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका और सरकार पर नियंत्रण कर सके, इस भूमिका पर भी यहाँ पर विचार होगी। उन तमाम मुद्दों विषयों पर ये 2 दिवसीय सम्मेलन परिणाम लाएगा और निश्चित रूप से देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम परिणाम लाएं, यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं पुनः आज उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष जी को
बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया और विशेष रूप से देवभूमि पर आयोजन किया, और इनका पहला आयोजन भी सार्थक रहा, अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के अंदर हमारा दो दिवसीय सम्मेलन एक निश्चित परिणाम लाएगा। आप सब यहाँ पधारे, आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी भी आए और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम हमारी विधानसभाओं को सहयोग करेंगे, उसमें पारदर्शिता है, जवाबदेही, इसके लिए हम भी विधानसभा के अध्यक्ष के साथ हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। अब उत्तराखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय रघुनाथ सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें। नगाधिराज हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की देवभूमि देहरादून में आयोजित भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 19वें सम्मेलन में उपस्थित माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिरला, मानवर हम किसी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, कार्य को प्रारंभ करने के पहले हम ओम नाम से उच्चारण करते हैं, ये हमारी पद्धति रही है। और ओम नाम से इसलिए हम उच्चारण करते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य निर्विघ्न हमारा संपादित हो, तो ऐसे आज हमारा सौभाग्य है कि विलक्षण प्रतिभा के धनी माननीय लोकसभा के हमारे अध्यक्ष जी, जिनके नाम से ओम नाम ओम बिरला के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, और आपकी जो वाणी है मिठास है आपकी वाणी में, और जो आपकी बात हम सुनते हैं तो माननीय सदस्य लगातार आप कहते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, हमको सीखने को भी मिलता है। ऐसे ओम बिरला जी का मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, अपने उत्तराखंड की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय हमारे बीच में हमारे माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनके सहयोग से यह हमारा जो कार्य है, जो बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो बहुत ही ऊर्जावान हैं, बहुत अच्छा काम करने की उनकी क्षमता है, और ये जो आयोजन सुंदर आयोजन आपने किया है और आपके प्रयास से हुआ है, ऐसे हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, राज्य विधानमंडल के सम्मानित हमारे अध्यक्षगण, हमारे पीठासीन अधिकारीगण और मेरे समसामयिक हमारे उपाध्यक्षगण, सचिवगण और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय महानुभाव, और विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे लोकसभा के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमती राजलक्ष्मी शाह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष नैनीताल से हमारे सांसद माननीय अजय भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पौड़ी से त्रिवेंद्र सिंह तीरा सिंह जी रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे राज्य के हमारे सभी मंत्रीगण विधायकगण, और विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा लोकसभा की महासचिव श्रीमती स्नेहलता जी, यत्र नारियेष्ट पूज्यते रमनते तत्र देवता, ये हमारी परंपरा रही है और हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा जी जो हमारे अल्मोड़ा में आप जिलाधिकारी का पद भी आपने संभाला था, वहाँ पर रहे हैं, ऐसे पीठासीन अधिकारी हमारे सब यहाँ पर उपस्थित हैं। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 19वें सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर पहली बार उत्तराखंड राज्य को मिला है, जो उत्तराखंड के लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात है। सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र के समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चाएं होंगी, हमें आशा है कि ऐसी सारगर्भित चर्चाओं और सुझावों के लोकतांत्रिक प्रणाली और अधिक मजबूत होगी।
इस विचार मंथन में विभिन्न संसदीय विधाओं के विषय में आपने विचारों के अनुभवों को साझा करने तथा संसदीय ज्ञान को विधायकों को मजबूती प्रदान करने हेतु उत्तराखंड पधारे लोकतंत्र के आप सभी पुरोधियों का मैं उत्तराखंड के विधानसभा की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इस सम्मेलन के जरिए जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो संसदीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि अभी माननीय हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी कहा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ चार धाम है और पांचवें धाम के लिए हम आपसे अनुरोध भी करना चाहते हैं, नागेश्वरम दारू कामने, जागेश्वर जो है हमारा, जो देवदार के बीच, देवदार के वृक्षों के बीच आच्छादित जो हमारा देवदार का वन है उसमें नागेश्वरम दारू कामने पांचवा धाम जो हमारा नागेश के नाम से प्रसिद्ध है वो धाम भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है। मैं माननीय बिरला जी से निवेदन करूँगा कि आप जरूर, आपने कहा था कि अल्मोड़ा कहाँ पर है और एक बार अल्मोड़ा आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका हम बहुत सानिध्य हमको मिलेगा। और कटारमल जो सूर्य मंदिर है वो भी एक पौराणिक मंदिर है, तो ऐसे हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का आपको अगर आने का समय मिलेगा हमको अगर आप देंगे तो मैं बहुत बहुत आभारी आपका हूँगा। हर्ष का विषय है कि सम्मेलन में विषय पर चर्चाएँ होंगी, जैसे आपने कहा, लोकसभा के अध्यक्ष जी ने भी कहा कि लोकसभाएं और विधानसभाएं लोकतंत्र का मंदिर होती हैं और हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। हमने जनता की जवाबदेही को स्वीकार करते हुए हमने जनता के हितों का काम करना पड़ेगा। संपूर्ण उत्तराखंड वासियों तथा उनकी आशाओं के प्रतीक इस विधानसभा की ओर से लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को आयोजित करने का दायित्व हमें सौंपा है। हम आभारी हैं कि आप स्वयं संसदीय लोकतंत्र के इस अति महत्वपूर्ण आयोजन में पधारने और सम्मेलन की अध्यक्षता कर हमारा गौरव आपने बढ़ाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बृहत संसदीय ज्ञान एवं अनुभव का लाभ हमको प्राप्त होगा। मैं उत्तराखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी का दिल से गहराओं से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए पहल करते हुए इसकी मेजबानी हेतु सफल प्रयास किया। आपके ऊर्जावान इस योग के मार्गदर्शन के उत्तराखंड को इस सम्मेलन के आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और अभी सभागार में हमारे जितने भी अतिथि यहां पर आए हैं, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति रही है, ये हमारी परंपरा रही है, सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करते हुए आप यहां से सुखद अनुभव ले जाएंगे जहां भी जाएंगे। और जो हमारी जो यह उत्तराखंड में आने का गौरव हमको प्राप्त हुआ है इन सबको मैं धन्यवाद देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष जी। और इसी के साथ सम्मेलन के इस भाग का यहाँ समापन हो रहा है। आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।